म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर है, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो का क्या विश्लेषण है? आज है संडे और संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, ऐसा क्वेरी जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे लेता हूँ। जो सबसे फर्स्ट क्वेरी है वो आकाश गोयल जी का है। ये पूछ रहे हैं क्या वीकली SIP रखना सही है। देखो, मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि अगर आप वीकली SIP यहाँ पे स्टार्ट करते हो और अगर मंथली SIP स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों में फ़र्क आपको देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ पे जो मंथली SIP है उसमें बेहतर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने डाटा रखता हूँ। देखो, ये वीकली SIP है। यहाँ पे हर वीक मैंने 2000 रुपये लिया है और 48 SIP यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया है। इट मीन्स कि एक साल का ड्यूरेशन और यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न है वो 12% रखा है। तो जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे 1,01,629 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर मैं SIP की बात करूँ, मंथली SIP की बात करूँ, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो 8,000 का हो गया। वीकली 2,000 था, यहाँ पे मंथली 8,000 का हो गया। और यहाँ पे एक साल का ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट 12% का, यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं तो यहाँ पे जो फिगर देखने को मिल रहा है वो 1,02,475 रुपये के करीब में। दोनों जगह जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है वो आप देख सकते हो 96,000 का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जो मंथली SIP है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखो, वीकली SIP करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मंथली SIP पे ध्यान दें और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें। इट मीन्स कि हर एक SIP को आप कंटिन्यू करें, कहीं SIP में गैप नहीं होना चाहिए और ब्रेक नहीं होना चाहिए। मंथली SIP आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी जो है यहाँ पे नीताई जी के साइड से है। यूलिप प्लान कैसा होगा? टाटा AI स्मार्ट संपूर्ण रक्षक प्लीज़ रिव्यू दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूलिप का मतलब क्या होता है। यूलिप में यहाँ पे डुअल बेनिफिट है, एक तो इंश्योरेंस का बेनिफिट और एक इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। देखो, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट क्यों ले रहे हो, आप इस प्रोडक्ट में पैसा क्यों लगा रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हो तो क्या आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा जो हमारे इंडियन मार्केट में और सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंश्योरेंस के लिए ले रहे हो तो क्या ये काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं होगा? देखो, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपको अलग अलग रखना चाहिए। आपके सामने बहुत ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर, बहुत ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव आते होंगे जो ऐसे प्लान के बारे में आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे। जी हाँ, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा आपको, यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलेगा और बहुत सारे आपको प्रोमिसेस करके जाते हैं जिसका कुछ भी नहीं पता। देखो, यहाँ पे जो आपका पैसा लगता है उसका रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है। और आप देखोगे कि आपका पैसा काफ़ी कम इन्वेस्ट हुआ और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि आप इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट लेना चाहते हो। अगर आपको कोई इंश्योरेंस चाहिए तो उसको अलग करें और इन्वेस्टमेंट को अलग करें। यहाँ पे मैं यूलिप के लिए एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। आप जितना पैसा लगा रहे हो अगर कुछ हिस्सा ही म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो इससे ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा लंबे समय में। और अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो इसमें से कुछ पैसा ही लेके आप एक टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हो अलग से, जिसमें आपको बहुत ही कम रुपए में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के मैं यूलिप के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। हाँ, बहुत ऐसे एडवाइज़र हैं जो नाखुश हो जाते हैं क्योंकि इनको कमीशन ज़्यादा मिलता है ऐसे प्रोडक्ट में, लेकिन मैं इन्वेस्टर के लिए हमेशा यही बोलूँगा कि हर एक पार्ट को आप अलग करके चले। इंश्योरेंस का पार्ट अलग है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट अलग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो यहाँ पे देख सकते हो विद्या जी के साइड से है। हम म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करना चाहते हैं, SBI बैंक में खाता है वही मैनेजर द्वारा करना ठीक है या उसमें भी कमीशन कटते हैं? क्या SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा? देखिए, आप किसी भी बैंक से या किसी भी बैंक के एम्प्लॉय के थ्रू कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सोचिए आपको रेगुलर प्लान वहाँ मिल रहा है और रेगुलर प्लान में आपको थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है।
जी हाँ, इट मीन्स कि कमीशन के तौर पे उस खर्चे में से कुछ हिस्सेदारी उस एजेंट के पास जाता है या फिर बैंक के पास जाता है। तो ऐसे में अगर आपका पैसा कम इन्वेस्ट हुआ तो रिटर्न भी कम देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप पूरा म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, हम कहाँ से म्यूचुअल फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या रिस्क होता है और हमारा पैसा कितना यहाँ पे सुरक्षित है। इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड का सहारा लें। और हाँ, ऑनलाइन ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट फंड अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत ऐसे ऐप हैं जहाँ से आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे नीरा जी के साइड से, SBI हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट निकाल लेना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। क्या कोई गोल है, कोई पर्पस है, या फिर ऐसे ही कुछ पैसे बनाने के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? कुल मिला के देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो कि 2 साल 3 साल में कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। अगर हाइब्रिड फंड की बात करूं, इस फंड का अगर मैं पूरा ब्यौरा देखूं, तो ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट कर रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को भी बीट कर रहा है। जैसे कि 1 साल का रिटर्न देखे 7.9% के करीब में है और कैटेगरी एवरेज में 6.28% के करीब में है। इट मीन्स कि ये म्यूचुअल फंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे, गिरावट में भी हम थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन चेक कर लेते हैं। 1 महीने में 4.47% का गिरावट है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4.56% का गिरावट है। कैटेगरी एवरेज से कम गिरा हुआ है, तो ये सही बात है किसी भी फंड के लिए। वहीं पे लंबे समय की बात करें तो 5 साल में 12.7% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 10.99% का रिटर्न है, यहाँ भी बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरावट इसलिए है क्योंकि मार्केट में यहाँ पे गिरावट है और उसका असर इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ, मार्केट के चलते हर एक फंड में गिरावट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बने रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेरी है वो TAG के साइड से, सर क्वांट म्यूचुअल फंड का ना एंड्रॉयड ऐप है ना ही कोई वेबसाइट है, इसका अस्तित्व कहाँ पर है, कहीं भाग गई तो इन्वेस्टर का क्या हो सकता है, ज़रूर बताएं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। हाँ, इनका कोई एंड्रॉयड ऐप नहीं है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक रीजन बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। छोटा AMC है, इनके पास रेवेन्यू कम है, आपको बहुत सारी फैसिलिटी नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप बड़े AMC के पास जाओगे तो उनके पास एक टेक्निकल टीम है जो बैकग्राउंड में हर एक चीज़ को मैनेज कर रही है, लेकिन इनके पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है कि हाँ कोई ऐप यहाँ पे डेवलप किया जाए और वहाँ पे कुछ मैनेज किया जाए। देखो, रेवेन्यू काफ़ी कम है, यहाँ पे मार्जिन भी कम है, यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे AMC काफ़ी लिमिटेड फैसिलिटी इन्वेस्टर को देती है। अगर आप जाओगे HDFC AMC के पास, Axis AMC के पास, SBI के पास, तो उनके पास आपको बहुत सारे फैसिलिटी देखने को मिलेंगे कि आप WhatsApp के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है वहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन क्वांट का कोई ऐसा ऐप नहीं है और बहुत सारे आपको फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। रही बात भागने की, देखो कोई भी भाग नहीं सकता, म्यूचुअल फंड स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेबी का काफ़ी कंट्रोल है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई दूसरा AMC इस AMC को खरीद ले, ये फंड का नाम चेंज हो जाए, लेकिन आज तक हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि कोई AMC रातों रात गायब हो जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टर को यहाँ पे परेशान होना नहीं चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, प्लीज एक कमेंट बॉक्स में आए क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अब तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।